नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भयंकर आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश को लेकर आ रही है। इस टाइम देश के लगभग 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर दोस्तों अगले 48 घंटों में 18 राज्यों में और दोस्तों लगभग ऐसे 200 जिले हैं जहां पर ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश के साथ जमकर दोस्तों अंधड़ चलने वाला है। कई जगह आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं देश का एकमात्र चैनल जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक अपडेट करवाई जाती है। इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी और हाईलाइट खबर आ रही है वो आ रही है असम से। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण तूफान से एक की मौत हो गई है और बड़े पेड़ और बिजली के खंभे दोस्तों उखड़ चुके हैं। असम के डिब्रूगढ़ जिले के ऊपरी हिस्से में दोस्तों पिछले 24 घंटों में आंधी तूफान से मोरान में एक व्यक्ति की मौत हो गई और मोरान के सुकेश्वर गोगोई के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति की तेज हवा से उखड़ गए एक बड़े पेड़ की शाखाएं गिरने से मौत हुई है। वहीं साथियों, बता दें डिब्रूगढ़ जिले में आंधी के कारण कई बड़े पेड़ और बिजली के तार उखड़ गए हैं। इस बीच डिब्रूगढ़ में आंधी के बाद बिजली की लाइनें भी टूट गई हैं। तूफान से मोरान, टिंकोंग, डिब्रूगढ़ पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और कई बड़े पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण दोस्तों लगभग 200 गांवों में अंधकार सा छा गया है। इस टाइम जो हाई अलर्ट पर राज्य हैं वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, बिहार, झारखंड, दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहां पर जमकर बारिश हो रही है और अगले 3 दिनों तक दोस्तों मौसम ऐसा ही यहां पर रहने वाला है। मौसम विभाग के द्वारा दोस्तों अभी अभी इसकी नई जो चेतावनी है वो जारी की गई है। दोस्तों एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और इसी सक्रियता के कारण दोस्तों लगातार जो मौसम है वो बिगड़ रहा है और कई राज्यों में लगातार भारी बारिश, आंधी और तूफान चल रहे हैं। अब दोस्तों एक और चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है जो कि 6 मई को उठेगा और 6 मई के बाद दोस्तों लगभग उत्तरी भारत के जो राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर जमकर दोस्तों दोबारा से बारिश होने वाली है। दोस्तों प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता 4.1 रही। वहीं साथियों आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में जमकर बारिश हुई है जो अभी भी रुक रुक कर हो रही है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में आगामी 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। यहां पर हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और केदारनाथ में दोस्तों भयंकर बर्फबारी के कारण जो यात्रा है वो भी टाल दी गई है। राजस्थान में दोस्तों सबसे अत्यधिक बरसात हो रही है और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहां पर ओलावृष्टि भी हुई है जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पंजाब में मौसम ने दोस्तों अचानक से करवट ली है और पंजाब का अगले 48 से 72 घंटे दोस्तों बेहद ही खास रहने वाले हैं। शिमला में 24 घंटे से बारिश लगातार जारी है। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों के बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। वहीं साथियों बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संभावित चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग ली है, क्योंकि दोस्तों ओडिशा से चक्रवाती तूफान टकराने वाला है। दिल्ली NCR में अगले 72 घंटों तक झमाझम बारिश होगी, मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।